स्वामी जी, सोशल मीडिया पर एक दावा यह किया जा रहा है कि हेपेटाइटिस छूने से भी फैलता है, क्या यह दावा सच्चा है या झूठा है? ये दावा पूरी तरह से झूठा है। हेपेटाइटिस बी ये तो ब्लड के संक्रमण से होता है, इसलिए ये आजकल सभी जगह सुई जो भी लगाई जाती है, नीडल्स, ये फ्रेश ही यूज की जाती हैं, कहीं उस तरह पहले करते थे, और भी कई ऐसी चीज़ें होती हैं कि किसी के शरीर में जैसे HIV वो भी निडर से फैलता है, ऐसे ही ब्लड का संक्रमित ब्लड किसी भी कारण से शरीर के अंदर चला जाए, किसी का संक्रमित ब्लड ठीक से टेस्ट ना किया गया वो भी किसी के शरीर में चला जाए, तो ये ब्लड से फैलता मुख्य रूप से। हाँ, हेपेटाइटिस के जो दूसरे कैटेगरी है, हेपेटाइटिस ए है, हेपेटाइटिस सी है, ई है, डी है, ये जो है संक्रमित भोजन से भी फैलते हैं। ये माँ को यदि हेपेटाइटिस है तो बच्चों के होने की संभावना ज़्यादा बढ़ जाती लेकिन है, लेकिन छूने से नहीं फैलता। माताओं को अनुलोम विलोम आदि करना चाहिए, हेपेटाइटिस वालों को अछूत बनाने की जरूरत नहीं, छूने से नहीं फैलता, तो ये दावा भोजन से बचना चाहिए। स्वामी जी, एक और बड़ी खबर आ रही है, ऐसे ही दावों से हम लगातार